हेलो मेरे प्यार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम गुरु आज बहुत ही एक्साइटमेंट है मुझे क्योंकि मैं दो ऐसे फ्रेग्रेंसेस को कंपेयर कर रहा हूं जो बहुत ही लाजवाब है और मुझे लगता है कि हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं और जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा एक लेजेंडरी परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चन दियोर दियोर ऑम इंटेंस क्रिएटेड बाई द मास्टर परफ्यूमर फ्रेंसॉ दिमाशी जिन्होंने दी और सवाज भी बनाया है हालाँकि दी और सवाज को मैं एक मास्टर पीस कंसिडर नहीं करता हूँ इट इज़ अ व वेरी सक्सेसफुल फ्रेग्रेंस बट दिस राइट हीयर माई फ्रेंड्स इज़ अ ट्रू मास्टर पीस एक मास्टर पीस फ्रेगरेंस ऐसा होता है जो बहुत ही स्पेशल हो यानी कि उसमें जो इंग्रीडियंट्स इस्तेमाल किए गए हों बहुत ही यूनिक प्रकार के हों जो कम्पोजिशन हो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सिंपल जेनेरिक यानी कि आमतौर पर जो फ्रेग्रेंसेज मार्केट में मिलते हैं या डिजाइनर ब्रांड से मिलते हैं उस तरीके का नहीं हो आ, अच्छी परफॉर्मेंस हो और आ, मतलब उसको लगा कर आपको एक स्पेशल फीलिंग आए तो डे और इंटेंस वो सारे जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करता है बहुत लोग तो मुझसे पूछा था कि रीसेंट बैच कैसा है तो ये भी एक चीज़ है दोस्तों डेर ओम इंटेंस लॉन्च हुआ था मुझे लगता है 2011-2014 के आसपास एंड दियोर ओम करके जो सीरीज़ है उसमें जो मेन इंग्रीडियंट फ्रंसवाद एमाशी ने इंट्रोड्यूस किया वो था आयरस आयरस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो पुराने फ्रेगरेंसेज में जो सिक्सटी सेवेंटीज़ की हम बात करें ओरिजिनल शनैल एंड दियोर फ्रेग्रेंसेज जिन्होंने परफ्यूमरी को एक नए मुकाम तक पहुँचाया उसमें वो जो इंग्रीडियंट है वो इस्तेमाल होता था गहरना वाले शुरू से आयरस का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा तो आयरस के आने की वजह से लोगों को एक टिपिकल ब्लू जेनेरिक अक्वाटिक फ्रेगरेंसेस से कुछ हट के मिला उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस नए फ्रेगरेंस मटेरियल को जो बहुत ही रिच कॉम्प्लेक्स और आ, मैं कहूँगा कि मिस्टीरियस टाइप का लगता है बहुत ही अल्योरिंग स्मूद करेसिंग टाइप का लगता है तो वो चीज़ आपको ओरिजिनल जितने भी फ्रेग्रेंसेज हैं उसमें मिलेगी इसीलिए वो फ्रेग्रेंसेज थोड़े से अलग है इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत सारे बड़े बड़े पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि गैरला ये भी आयरस का बहुत इस्तेमाल करते हैं यही डिफरेंस है दोस्तों महंगे फ्रेगरेंसेज में और सस्ते फ्रेगरेंसेज में जो स्पेशल फ्रेग्रेसेज की हम बात करेंगे ये ये दीधा सिग्नेचर फ्रेगरेंसेज इन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो बताऊँगा बहुत मजा आएगा सो एनी लेट्स कम बैक टू दियोर मिनटे सो दिस इज़ द सेकेंड रिफार्मुलेशन इसके बाद थर्ड रिफॉर्मुलेशन हुआ जो अभी करंट जो मार्केट में मिल रहा था तो बहुत लोग पूछे थे क्या निखिल भाई वो अलग है क्या मैं वो लूँ या ना लूँ दोस्तों ऑनस्टली मैं अभी दिल्ली गया था इसीलिए बहुत दिन से वीडियो बनी आ रही थी बहुत सारा बड़िया बड़िया परफ्यूम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं डिस्कस करेंगे बढ़िया बढ़िया फ्रेग्रेंसेस घटिया फ्रेग्रेंसेस पर पैसा बर्बाद नहीं करते अच्छे फ्रेग्रेंसेस सो so, अभी भी वो फ्रेग्रेंस लगभग ऐसा ही है थोड़ा सा मैं कहूँगा ड्राई हो गया है थोड़ा सा जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम कर दी गई है तो दिस इज दियोर मेन्टेंस अ ब्यूटिफुल सेंट जिसमें लिपस्टिक की वाइब मिलती है आइरिस से यानी कि पाउडरी थोड़ी सी शार्प लैवेंडर इसमें मिलता है एक पाउडरी बेहतरीन तरीके का और जो आपको बाकी लेदर सीडर और इस तरीके के जो नोट्स हैं काफ़ी मिस्टीरियस वुड जी टाइप का इस सेंट को बनाते हैं और फिर ड्राई वनीला पाउडर मिलता है और परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है और ये सेंट आपके ऊपर खिलता रहता है दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दियोर ऑम इंटेंस ये सेंट खिलता रहता है आपकी स्किन पर अपनी पूरी लॉन्जेबी में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सेंट कमज़ोर हो रहा है या आइरिस का नोट कमज़ोर हो रहा है ऐसा नहीं है थोड़ी सी शार्प थोड़ी सी हर्बल थोड़ी सी स्पाइसी है इसकी ओपनिंग सो सबको पसंद नहीं आया आती बट गिव इट टाइम इट्स अ रियली रियली ब्यूटिफुल ब्लेंड अब रही बात दोस्तों किस फ्रेग्रेंस से कंपेयर करो तो दोस्तों इसका एक क्लोन आया है जिसका नाम है डार्क डोर इंटेंस अंधेरा कायम रहे दोस्तों सो so, डार्क डोर इंटेंस मतलब इट्स अ गिव अवे गिव अवे इन सेंस कि नाम से ही पता चल कि पक्का दियोरो मिनटेंस का क्लोन होगा दोस्तों द ब्रांड इज़ अल और मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेगरेंस काफ़ी महंगा है हालांकि अभी वाला जो फॉर्मूलेशन है वो तो काफ़ी चीप कहूँगा का मैं महंगा नहीं क्योंकि दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक दस हज़ार बारह हज़ार के आसपास मिलता था पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया से अपनी बॉडल खरीदी थी एक शॉर्ट ट्रिप पर और इंडिया में अभी इसका दाम कुछ सिक्स थाउजेंड थाउजेंड अभी करेंट बैचेज का सो दैट इज़ रियली गुड गिवन कि आजकल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं औपा कॉन्सेंट्रेशन में है दोस्तों जीरो मिन्टेंस और ये क्लोन जो है ये देखिए बॉटल भी कुछ लगभग इन्होंने सेम बनाने की कोशिश की है अलहमरा वाले जो है वो लताफा करके एक मिडिल ईस्ट की ब्रांड है ईस्ट का ब्रांड है वो भी क्लोन्स वगैरह बनाते हैं तो वो क्या करते हैं बॉटल्स भी ऑलमोस्ट सेम के सेम कॉपी मार देते हैं बट ठीक है ये फ्रेगरेंस जो है मैं चाहता हूँ कि सब लोगों तक पहुँचे हर हमारे व्यूअर तक पहुँचे जो लोग क्लासी सेंट्स लगाना चाहते हैं अब कॉमन मार्केट प्लेस सेंट से बोर हो गए हैं ऊद का भी थीम अब थोड़ा सा यू नो ओवर यूज हो गया है सो दिस इज अ जॉनरा दिस इज कैटेगरी दैट यू कैन एक्सप्लोर ताकि आप अच्छे फ्रेग्रेंसेस लगाएं कम दामों पर तो ये इंटेंशन दोस्तों ये इंटेंशन था दोस्तों ये वीडियो बनाने का आज का सो डार्क डोर इंटेंस बहुत लोग एक्साइटेड थे कि कैसा है कितना क्लोज है क्या रिजम्बलेंस है देखिए दोस्तों स्ट्रेट ऑफ द बैट ऑलमोस्ट दियोर जैसा है आयरिस का इसमें जो नोट है वो थोड़ा सा कम है इसमें आपको आयरिस का नोट बहुत प्रीमियम बहुत ही अपलिफ्टिंग मिलता है यहां पर लगता है कि हां आयरिस क्योंकि बहुत महंगा इंग्रेडिएंट है कितना ही क्लोन कर लो कितना ही चीप ऑल्टरनेटिव ले लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी बिकॉज ऑरिस जो है जिससे आयरिस बनता है इसके पहले तो मैंने बात कर रखी है उस इंग्रीडियंट की अपने चैनल पर तो आपको पाउडरीनेस ज़्यादा मिलेगी हर्बलनेस लैवेंडर की कम मिलेगी तो लगता है कि हाँ सेम चीज़ है क्योंकि इतना यूनिक सेंट है कि कोई भी नहीं कहेगा कि आप कुछ और लगा रहे हो ऑलमोस्ट सेम ओपनिंग है ऑलमोस्ट सेम कहूँगा मैं बट ड्राई डाउन इज़ द मेन डिफरेंस क्योंकि इसका जो आयरिस का नोट है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है यानी कि मैं कहूँगा कि एक डेढ़ घंटे एट द मैक्स बट इसमें आयरिस का नोट आपको ऑलमोस्ट सात आठ घंटे तक मिलता रहेगा वो टोंग काबीन की ड्राइनेस थोड़ी सी पेपरी स्पाइसीनेस मीठी मीठी जो एक हल्की सी खुशबू जो शुगरी स्वीट नहीं है यानी कि मिठास यानी कि यूजुअली जो हम देखते हैं वनीला बेस्ड फ्रेगरेंस में जैसे लताफा कमरा हो गया या लमाल टाइप के फ्रेगरेंसेज हो गए जो उसके नए वाले हैं लमाल एलेक्सर वगैरह बहुत मीठे अरमानी स्ट्रॉर विथ तरीके के जो मीठे सेंट्स होते हैं लताफ़ा कमरा सो इट्स नॉट अ स्वीट सेंट ड्राई ही रहता है पाउडर ही रहता है एक uh, किसी लेडी uh, के मेकअप बॉक्स की जैसी स्मेल है बट दैट सेंट इज सो अट्रैक्टिव टू द अदर सेक्स दैट मैं क्या बताऊँ एंड दियोर इसको जब आप लगाएंगे क्वालिटी का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों तो आप इसको अपनी स्किन पर इजीली लगाएंगे आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि लगाओ नहीं लगाओ थोड़ा सा शार्प लग रहा है बिकॉज दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ब्रांड एक बहुत ही बड़ा ब्रांड एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट कह लीजिए एक फैशन जाइंट जो फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है मेकअप वगैरह सब कुछ आता है दियोर का सो so, आपको प्रॉपर एक टेस्टिंग के बाद ये फ्रेग्रेंस मार्केट में रिलीज किया जाता है दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट दिस इज अ क्लोन अ क्लोन इज अ क्लोन बट येस ये एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लोन्स ऑफ दियोर इंटेंस आई वुड से बस ड्राई डाउन जो है इसका फीका पड़ जाता है बहुत स्ट्रेंथ नहीं है इसके ड्राई डाउन में डेढ़ घंटे के बाद वनीला आना शुरू हो जाता है पाउडरी वनीला हालांकि वो नोट बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा चीप नहीं लगता बिल्कुल भी नाक को डिस्करेजिंग नहीं है बट एक बढ़िया सेंट बबल रहेगा आपके चारों ओर बट ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि दियोरम इंटेंस की वो इंटेंसिटी मिलेगी दिस इज एक्चुअली इंटेंस मतलब आठ दस घंटे हो सकता है कि इस मौसम में आप रात तक बोर हो जाए सो वेरी नाइस क्लोन वेरी accurate इन the ओपनिंग मिड नोट्स और ड्राई ड्राई डाउन स्टेज में अपने फाइनल स्टेजेस में ये बिखर जाता है यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट दस घंटे प्लस मिलती है यहाँ पर छः घंटे मैक्स है वो भी इस वेदर में विथ अ सॉफ्ट प्रोजेक्शन इसका प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है इसका प्रोजेक्शन सॉफ्ट है दिस इज इन नो वे इंटेंस मैं कहूँगा कि ठीक है जो रिसेंट बैचेज है दियोर इंटेंस के उससे हो सकता है कि ज़्यादा ये मिलता जुलता हो बिकॉज दिस इज़ अ बीस्ट तो नहीं मिल रहा है तो इसको खोजने की भी जरूरत नहीं है अब जो है अपने पास उसको आप इन्जॉय करें अगर आप इतने महंगे परफ्यूम्स पर स्पेंड नहीं करना चाहते एक अच्छा आल्टरनेटिव चाहते हैं क्लासी फ्रेग्रेंस लगाना चाहते हैं जिससे लोग इम्प्रेस हों एक बढ़िया इंप्रेशन बने एक मैग्नेटिक uh, टाइप का आपका हो है तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए एंड द प्राइस डिफरेंस यार दिस थिंग सेल्स फॉर अराउंड थाउजेंड रुपीज़ यू नो दो हज़ार रुपये के अंदर आपको ये फ्रेगरेंस मिल रही तो ये भी एक चीज़ है क्लोन्स के साथ आपको हु बहू सेंट मिलना तो इम्पॉसिबल है बट स्टिल आई वुड से कि पीपल हु एंजॉय सच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सेंस यूनिक सेंस एक मास्टरफुल ब्लेंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं डेफिनेटली ट्राई दिस फ्रेग्रेंस इट इज कॉल्ड डार्क डोर इंटेंस फ्रॉम मेजो अल अब रही बात दोस्तों ये कहाँ से मिलेगा तो हमारे आशीष भाई हैं फ्राइगा यूट्यूब चैनल वाले उनके चैनल पर जाके आप पूछ सकते हैं उनके डिटेल्स देख सकते हैं उनका जो व्हाट्सअप नंबर है मैं नीचे डालूंगा वहाँ से उनको कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं इस फ्रेग्रेंस को मैंने भी उनसे ही मंगवाया एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी और मुझे लगता है कि मैं अगर किसी को ये परफ्यूम का बॉटल गिफ्ट करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होगा एक बार इस चीज़ की लत लग गई तो फिर दे इज नो लुकिंग बैक आई एम श्योर कि आपको ये जेनेरिक सेंट्स इंप्रेस नहीं करेंगे सो दैट्स इट गाइज फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त रिव्यू के साथ तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय एंड स्टे स्ट्रांग